नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच चुका है। एक परिपाटी सी यहां पर है कि यहां पर अंतरिक्ष में इंसान जहां जाता है उस जगह को भी यहां पर कोई नाम दे देता है। चंद्रयान 3 को लैंडर मॉड्यूल ने यहाँ पर जहाँ पर कदम रखे उस जगह का कोई नामकरण हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शनिवार को बेंगलुरु में चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों से मुखातिब थे जिन्हें यहाँ पर भारत को चांद तक पहुंचाया। रुंधे गले से पीएम मोदी ने यहाँ पर वैज्ञानिकों को सैल्यूट करते हुए कहा कि चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। पीएम ने चंद्रयान 2 के इम्पैक्ट पॉइंट को भी एक नाम दिया, अब उसे तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। 2019 में यहीं पर चंद्रयान 3 का लैंडर क्रैश हो गया था। बाद में उसकी लोकेशन का पता लगा लिया गया। चांद पर मौजूद शिव शक्ति और साथ ही तिरंगा पॉइंट कहाँ है उनके बारे में अब तक हमारे पास कितनी जानकारी है ये भी बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ पर शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें यहाँ पर विज्ञान का उपयोग मानवता की कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 अपने निशान छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया उस दिन को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा।